नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका वेकअप जिंदगी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के तहत आज 11 जिलों की 67 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। दूसरे चरण में जिन 11 जिलों में मतदान हो रहा है, इनमें सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर और बरेली जिले शामिल हैं। और इसके अलावा अमरोहा, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी और बदायूं भी शामिल है। और दूसरे चरण में कुल 719 प्रत्याशी मैदान में हैं। दूसरे चरण में 82 महिला उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में उतरी हैं। और आंकड़ों के लिहाज से देखें तो दूसरे चरण का चुनाव समाजवादी पार्टी के गढ़ में हो रहा है। यहां पर 6 जिलों में करीब 40 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम मतदाता हार जीत में काफी अहम साबित होते हैं। इस चरण में रामपुर ऐसी विधानसभा सीट है जहां देश में सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता रहते हैं, जबकि बदायूं में यादवों की बड़ी आबादी है। बदायूं के गुन्नौर सीट ऐसी है जहां पूरे उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा यादव मतदाता रहते हैं। दूसरे चरण में मतदान वाली 67 सीटों में से पिछले विधानसभा चुनाव में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी को 34 सीटें हासिल हुई थी, जबकि दूसरे नंबर पर रही बसपा को 18 सीटें मिली थी और बीजेपी को यहां से 10 सीटें मिली थी। कांग्रेस की बात करें तो उसे 3 और बाकी अन्य को 2 सीटें हासिल हुई थी। इस बार सबसे ज्यादा 22 उम्मीदवार बिजनौर के बरहपुर और सबसे कम 4 प्रत्याशी अमरोहा के धनौरा सीट पर किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और पुलिस के साथ ही अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है। केंद्रीय बलों की 748 कंपनियों को शांतिपूर्ण मतदान कराने का जिम्मा सौंपा गया है। और मतदान की बात करें तो बदायूं में वोटिंग को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। वहां मौजूद है हमारे संवाददाता सुमंत। बदायूं जिले के शेखोपुर विधानसभा क्षेत्र में एक पोलिंग बूथ पे इस वक्त मैं मौजूद हूं और हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो सुबह सुबह मतदान करने के बाद पोलिंग बूथ से बाहर निकल रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इनकी तमाम लोगों की उंगलियों में स्याही के निशान है जो वोट डालने के वक्त लगता है। हम सीधे इन लोगों से बात करेंगे। पहले ही मन बना लिया था कि सुबह सुबह वोट करना है? जी, बीजेपी सर फूल को दिया हमने। अच्छा अच्छा, मैंने पहले ही आज लोग जी। आप मैंने बताइए, बिल्कुल सुबह को ही सर हमने मन बना लिया था। बिल्कुल हमारी तो समस्याएं थी सर, यहाँ उसको देख के उन्हें करते हुए हमने अपना मत दिया है। अच्छा, आप बताइए। फूल को लिए दिया। अच्छा मैम, आप बताइए। सर मैंने हाथी के लिए दिए। अच्छा, हाथी के लिए, ठीक है। चूंकि अब देखिए, अब सब लोग मतदाता बहुत स्मार्ट हैं, चूंकि वोट दे दिया है इसलिए इन्होंने पत्ते खोले हैं, क्योंकि अब तो वोट दे दिया। क्या बताए, किसको दिया वोट आपने? सर मैंने हाथी को दिया है, काजी रिजवान को। अच्छा, ये बताइए कि सबसे बड़ा मुद्दा इस इलाके में क्या है? सर विकास। अच्छा, विकास सर नहीं है। और जो सर एक बार चुन के आता है यहाँ से, दोबारा सर नहीं आता यहाँ पर। सर हमारे गांव का रोड है 2 किलोमीटर का, इतना बुरा रोड है कि शायद इस एरिया में कहीं नहीं होगा। विकास मुद्दे पे वोट दिया? जी जी जी, विकास के मुद्दे पे सर, विकास मुद्दे पे। सबसे बड़ा विकास का मुद्दा, आज तक कोई मंत्री विधायक सड़क ही नहीं बन पाया। अच्छा अच्छा जी मैम, क्या सबसे बड़ा मुद्दा? सबसे ज्यादा गुंडागर्दी है, लेडीज के लिए बहुत समस्या, लॉ एंड ऑर्डर, इसी मुद्दे पे वोट दिया जी। बिल्कुल सर, आप क्या कहेंगे? हाँ, विकास के मुद्दे पे दिया है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो अब तक किसी भी विधायक ने या एमपी ने कोई विकास नहीं किया है। बदलाव चाहते हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल बदलाव चाहते हैं और बीजेपी को वोट दे रहे हैं इस बार, और उम्मीद है कि बीजेपी हम लोगों के लिए बेटर करेगी। चलिए आप बताइए सर। सर मैंने हाथी को वोट दिया है क्योंकि यहाँ पे समाजवादी को वोट देके देख लिया। समाजवादी ने ना सड़क डलवाई, ना बीजेपी की। पहले मेनका गांधी यहाँ से सांसद चुन गई, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। उसके बाद बीजेपी के सांसद धर्मेंद्र कश्यप जी यहाँ से चुन के गए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। सड़क इतनी खराब, रोड आप देख सकते हो, जाओगे पता चला कितने गड्ढे। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है शेखोपुर में? शेखोपुर सर यही है कि मालवी नगर पंचायत रोड इतनी खराब है, जबकि यहाँ से बीजेपी। हाँ, विकास के मुद्दे मैंने चेंज करने के लिए कि मतलब किसी बदलाव, तीसरे को चांस दो। बिल्कुल बदलाव चाहते हैं बीजेपी को। बिल्कुल देख सकते हैं कि ये तमाम लोग हैं। एक बहुत खुशी की बात है कि सुबह से ही लोग वोटिंग करने के लिए आगे आ रहे हैं, ये अच्छी खबर है। और चूंकि लोगों ने वोट दे दिया है इसलिए लोगों ने मुद्दे बताए और ये भी बताए कि किस पार्टी को और उन्होंने क्यों वोट दिए। कैमरामैन संजीत के साथ सुमंत कुमार, बदायूं, एपीएन। वहीं बिजनौर में हमारे संवाददाता रोहित त्रिपाठी ने मतदान का जायजा लिया। विधानसभा चुनाव को लेकर आज सेकंड फेज का जो है मतदान होना है और जो है लोग आना शुरू हो गए हैं मतदाता जो है। और इस समय हम खड़े हैं बिजनौर के 258 बूथ संख्या पर, और आपको बता दें यहां पर टोटल जो है मतदाताओं की संख्या जो है वो 25,42,529 है। और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा वैसे वैसे यहां पर मतदाताओं की संख्या बढ़ती जाएगी।
अगर हम फोर्सेस की बात करें तो 24,000 टोटल जनपद बिजनौर में फोर्सेस लगाई गई हैं, जिसमें कि 8 विधानसभाएं हैं और पुलिस फोर्स के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स और अन्य फोर्सेस भी हैं। कहीं भी अगर कोई चूक होती है या ईवीएम मशीन खराब होती है तो उसके दौरान जो है 10 मिनट के अंदर चुनाव आयोग जो है ईवीएम मशीन को ठीक कराएगा और सुचारू रूप से मतदान चालू रहेगा। रोहित त्रिपाठी, बिजनौर, एपीएन न्यूज। इधर दूसरे दौर में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की किस्मत भी दांव पर है तो सपा सरकार के कई और मंत्रियों पर भी अपनी प्रतिष्ठा बचाने का दबाव है। इसके अलावा बीजेपी के सुरेश खन्ना सहित दूसरे दलों के भी कई नेता इस दौर में जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। एक नजर। दूसरे चरण के मतदान में कई बड़े चेहरों की प्रतिष्ठा दांव पर होगी। दूसरे चरण में सहारनपुर में विवादों में रहने वाले कांग्रेस के नेता इमरान मसूद चुनावी मैदान में हैं, तो रामपुर में सपा सरकार में मंत्री और कद्दावर मुस्लिम नेता आजम खान की प्रतिष्ठा दांव पर है। आजम खान के मुकाबले बीएसपी ने यहां से डॉक्टर तनवीर को टिकट दिया है। डॉक्टर तनवीर पिछली बार भी आजम खान के खिलाफ चुनाव लड़े थे और दूसरे नंबर पर रहे थे। आजम खान न सिर्फ समाजवादी पार्टी के मुस्लिम चेहरा है बल्कि 7 बार रामपुर विधानसभा सीट जीत चुके हैं। रामपुर के सभी विधानसभा सीटों पर उनकी लोकप्रियता दांव पर होगी। रामपुर की स्वार सीट से पहली बार आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी नेता सुरेश खन्ना, खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री इकबाल महमूद, मत्स्य एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री हाजी रियाज अहमद, खाद्य एवं रसद मंत्री कमाल अख्तर, रेशम एवं वस्त्रोद्योग मंत्री महबूब अली, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री मूलचंद्र चौहान, बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे रामपुर के नवाब घराने के काजिम अली खान की किस्मत का फैसला भी इसी चरण में होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। आपको बता दें कि मतदान इस वक्त शुरू हो चुका है, हर जगह वोटिंग शुरू हो गई है दूसरे दौर के लिए। और ये तस्वीरें आपके सामने, ये देहरादून की तस्वीर आ रही है इस वक्त हमारे पास। उत्तराखंड में भी आज चुनाव है, मतदान जारी है और पोलिंग बूथ में जो तैयारी है, कड़ी सुरक्षा के बीच मतदाता अपनी लाइन में खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं अपनी बारी के आने का, अपनी अपनी वोटिंग स्लिप के साथ, वोटर स्लिप उनके हाथ में, और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और सुबह के वक्त ही अच्छी भीड़ देखी जा रही है पोलिंग बूथ पर। ये देहरादून की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो उत्तराखंड में भी 69 सीटों पर मतदान होना है आज, और यहां पर सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, और बुजुर्गों महिलाओं का उत्साह देखिए, सबसे ज्यादा पंक्ति में बुजुर्ग नजर आ रहे हैं सुबह सुबह अपने मताधिकार का और लोकतंत्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए लोग उमड़ रहे हैं पोलिंग बूथों पर। और ये लंबी लाइन आप देख सकते हैं, बल्कि बच्चों के साथ भी पहुंचे हुए हैं कई लोग। और आइए उत्तराखंड का हम रुक कर लेते हैं, राजपुरा में मौजूद है हमारी सहयोगी शैली। शैली, जानना चाहेंगे आपसे, अभी मतदान की शुरुआत हो चुकी है, भीड़ उमड़ रही है, किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है मतदाताओं के बीच? बिल्कुल अभिलाषा, देखिए देहरादून के राजपुर विधानसभा में मैं मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकती हैं किस तरीके से यहां पर लाइनें लगनी शुरू हो गई हैं, लोगों में कितना उत्साह है वोट को लेकर, और लोग बारी बारी यहां पर लाइनों में लगे हुए हैं, वोट डालने आ रहे हैं यहां पर। हमारे साथ यहां पर कुछ लोग भी मौजूद हैं जो अभी वोट डाल के आए हैं, आइए उनसे जानते हैं कि सर आप कितने बजे वोट डाला है आपने और कैसा लगा वोट डाल के? वोट डाल के बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ सुबह 7 बजे हम पति पत्नी दोनों आ गए थे और 8 बजे हमने अपना पहला वोट डाल दिया है। अच्छा, आपने पहला वोट डाला है। मैं, आपने पहला वोट डाला है, कैसा लगा, कितनी उत्साह आपको था कि आप पहले ही समय से पहले ही वोट डालने आए? मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने अपने पति के बाद दूसरा वोट डाल दिया। अच्छा, किसे वोट दिया आप लोगों ने? ये तो हम यहाँ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये है कि एक जुझारू और बहुत कर्मठ विधायक सिटिंग विधायक हैं,
हमने उनको वोट दिया है। आप अपना वो दिखा दीजिए फिर वोट का सिंबल। तो अभिलाषा आप देख सकती है ये लोग अभी अभी पहला वोट डाल के आए हैं और सुबह 7 बजे से ये लोग लाइन में आकर खड़े हुए हो गए थे वोट डालने के लिए। तो आप देख सकती है कि देहरादून में लोगों को कितना उत्साह है वोट के लिए। बिल्कुल, और शैली ये बहुत जानना जरूरी है, हालांकि किसे वोट दिया है ये उन्होंने नहीं बताया और ये उनका अधिकार भी है, लेकिन किस मसले पर उन्होंने वोट किया है, क्योंकि तमाम तरह के मसले उत्तराखंड में रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर रही है, किन मुद्दों के बल पर मतदाता जो हैं वो वोट डाल रहे हैं ये जरूर जानने की कोशिश करें। बिल्कुल सर, देखिए दोनों ही पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो ये बीजेपी हो, इस बार निर्दलीय उम्मीदवार भी बहुत है। किस मुद्दों को लेकर आपने वोट चुना है और अपना जो वोट है किसे किस उम्मीदवार के लिए पक्ष में रखा है और किन मुद्दों को देखते हुए रखा है? हमने जो हमारे सिटिंग विधायक हैं बहुत जुझारू हैं, और यह है कि रात को किसी समय भी यदि हम फोन कर देते हैं तो यह है कि वो अपना हमारा फोन अटेंड भी कर लेते हैं और समस्याओं को तत्काल उनका निवारण करते हैं और बहुत व्यवहारिक और बहुत सभी से अपना पारिवारिक जैसा रिश्ता रखते हैं, तो इसलिए हमने उनको वोट किया। तो क्या लगता है कि अगर वो दोबारा विधायक बनते हैं तो विकास आपका जो क्षेत्र का है वो और तेजी से होगा? और तेजी से होगा, विकास के लिए कहीं कोई ये नहीं छोड़ा है उन्होंने कि विकास ना किया, और उन्होंने बहुत काम कराए हैं और जनता उनको अपने दिल से चाहती है और इसलिए उनके साथ में बहुत लोग जो हैं अपना दिल से उनको। मैम आपसे जानना चाहूंगी आपने किन मुद्दों को देखते हुए अपना वोट चुना है, किसे वोट चुना है? बस मैं तो अपने पति के साथ हूँ, जैसे उन्होंने बोला वो बिल्कुल सही बोला है और उन्हीं के साथ। चलिए, तो ये भी शैली हमारे साथ जुड़ी हुई थी वहाँ के मतदाताओं का मन टटोलते हुए। शैली आप बने रहिएगा हमारे साथ, और आइए बदायूं का रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी सुमंत वहाँ पर मौजूद हैं। सुमंत, बदायूं में अभी पोलिंग बूथ में किस तरह की तस्वीर है, भीड़ अब जुटनी शुरू हो गई है, मतदाताओं में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है? जी अभिलाषा, ये अच्छी बात है कि मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ, ये बदायूं जिले के शेखोपुर विधानसभा क्षेत्र का एक पोलिंग बूथ है। मैं सबसे पहले अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इस बूथ का ताजा तस्वीरें आपको दिखाएं। आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पे लोगों की कतारें लग चुकी हैं वोट देने के लिए, और 1, 2, 3, 4 कतारें यहाँ पे लगी हुई है और लंबी लंबी लाइने लगी है। और एक बहुत ही अच्छी बात है कि इस पोलिंग बूथ पे मैंने देखा है कि सुबह से ही 7 बजे से ही जैसे ही मतदान शुरू हुआ है लोग घरों से बाहर निकले हैं और अपने अपने कह सकते हैं बारी का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही उन्हें मौका मिले वो वोट डालें। ये तो ताजा तस्वीरें हो गई। सुरक्षा के भी अभिलाषा यहाँ पे अच्छे इंतजाम किए गए हैं, लेकिन अगर हम इस जिले के सियासी समीकरण की बात करें तो बदायूं जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं, अगर पिछली बार की बात करें तो समाजवादी पार्टी को 4 और बहुजन समाज पार्टी को 2 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार क्या है यहाँ के सियासी समीकरण ये बात करेंगे। यहाँ हमारे जो स्थानीय संवाददाता है पंकज, वो इस वक्त हमारे साथ है। पंकज, पिछली बार तो सपा को जबरदस्त कामयाबी मिली थी, लेकिन इस बार क्या है यहाँ का सियासी समीकरण, कुछ उलझे हुए हैं, कुछ ऐसी बात सामने आ रही है? देखिए, ये समाजवादी का गढ़ रहा है और यहाँ पे लगता है इस बार बीजेपी या बीएसपी कहीं ना कहीं सेंध लगाने का काम करेगी और कहीं ना कहीं यहाँ सेंध लगेगी और समाजवादी को कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ेगा। अच्छा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ समाजवादी को नुकसान होगा। जी, तो बिल्कुल देखिए, मैं जिस विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हूँ यहाँ से सिटिंग एमएलए भी समाजवादी पार्टी के हैं, वो लगातार 2 बार विधायक रहे हैं, तो ऐसे में एंटी इनकम्बेंसी भी माने रखता है। और जो इटावा सदर है, अच्छा एक छोटा सा पंकज मैं चाहूंगा कमेंट आप इस पे दें, इटावा सदर में इस बार सियासी लड़ाई बहुत दिलचस्प हो गई, पता चला है बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं, शिवसेना वाले भी हैं, तो क्या किस तरह की लड़ाई है इस बार सदर में? सदर में इस बार जो है समाजवादी और बीजेपी की लड़ाई दिख रही है, क्योंकि एक बयान कल जो हुआ था तो उद्धव ठाकरे जी का, तो उससे कहीं ना कहीं शिवसेना के जो प्रत्याशी है उसको नुकसान होता दिख रहा है। चलिए सुमंत, हम लौटेंगे आपके पास, और इस वक्त हम उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। शैली वहां पर मौजूद हैं और उनके साथ गणेश जोशी हैं, मसूरी से विधायक हैं। शैली, मैं चाहूंगी कि बात करें आप उनसे और ये जरूर जानने की कोशिश करें कि कितनी उम्मीदें हैं उनको अपनी पार्टी के लिए। अः
बिल्कुल अभिलाषा, देखिए राजपुर पर वोट डालने आए हैं खुद मसूरी विधायक गणेश जोशी जी। जोशी जी, किस विकास के मुद्दे को देखकर आज आप वोट डालेंगे? देखिए, विकास के मुद्दे को लेकर मैं चुनाव में आया हूँ और विकास के मुद्दे पर ही वोट डाल रहा हूँ, क्योंकि पिछले कार्यकाल में, क्योंकि मैं भूषण का एमएलए था, मेरे कामों में विधान डाला गया, मुख्यमंत्री मेरे से व्यक्तिगत रंजिश रखते थे, मेरे कामों को रोका गया, और उसके बावजूद अपने संघर्ष के बल पर करीब 90% कामों को मैंने पूरा किया है। और आज क्षेत्र की जनता आपका एक बार फिर भरोसा है, इसलिए आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के बूथों पर भारी भीड़ आ रही है। इस बात का संकेत है कि परिवर्तन की आंधी चल चुकी है और उसकी शुरुआत मसूरी विधानसभा से हो रही है। सर, काफी उत्साह यहाँ पर लोगों में दिख रहा है, जैसे कि लोग 7 बजे से ही लाइनों में लग गए थे, दिखा जा सकता है कि इस बार ज्यादा जागरूक है लोग वोट के लिए? देखिए, ये मेरा गृह क्षेत्र है, ये मेरा गृह वार्ड है, यहीं पे मैं पला हूँ, बड़ा हुआ हूँ, इसलिए आज मेरे पक्ष में यहाँ का जो जनमानस है, सुबह से ही जो है 7 बजे से लोग यहाँ पर आए हुए, और इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। तो अभी सर आप अंदर वोट डालने जा रहे हैं? जी हाँ, मैं अंदर वोट डालने जा रहा हूँ। तो अच्छा, ये थे हमारे साथ मसूरी के विधायक गणेश जोशी, जो राजपुर विधानसभा पर इनका निवास है और ये यहाँ पर वोट डालने आए हैं, और लोगों में भी काफी उत्साह है विधायक गणेश जोशी को। चलिए शैली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट देने के लिए। ठीक, पोलिंग बूथ से जहां पर मतदान जारी है, हम आपके पास लौटेंगे मतदान की पूरी जो इस वक्त जारी है उस पर अपडेट के लिए। फिलहाल शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सुमंत हमारे साथ बदायूं से जुड़े हुए हैं, खासा उत्साह वहां देखने को मिल रहा है मतदाताओं में, और सबसे अहम कि वहां पर मुकाबला जो है वो दिलचस्प है, जैसा कि सुमंत बता रहे थे। सुमंत, जानना चाहूंगी आपसे कि जो बात हो रही थी कि समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल की बात हो सकती है, बीजेपी और बसपा सेंध लगा सकती है उनके वोटों में, क्या वो अहम मुद्दे और मसले रहे हैं जिसके बल पर आगे निकल सकते हैं ये, और एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना पड़ सकता है सपा को? तो बदायूं में मतदान प्रक्रिया जोर पकड़ रही है, तस्वीरें वहां के आपको दिखाएंगे, साथ ही प्रत्याशियों की धड़कनें भी तेज हैं, सभी जनता जनार्दन से उम्मीद लगाए बैठी है। मतदान की सुबह सुबह प्रत्याशी क्या सोचते हैं और उनका दिन कैसे गुजरता है, ये जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता सुमंत ने, और बातचीत की बदायूं से बीएसपी के प्रत्याशी भूपेंद्र सिंह से। आज वोटिंग डे है, चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों ने और उनके प्रत्याशियों ने अपने अपने तरीके से मतदाताओं को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और एरी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन चुनाव वाली सुबह एक प्रत्याशी के मन में क्या चलता है, जब वो सुबह उठे तो सबसे पहले उनके मन में क्या ख्याल आया, इन्हीं सब तमाम सवालों को टटोलने के लिए इस वक्त हम बदायूं सदर से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हमारे साथ हैं, हम उनसे उनके मन की बात जानने की कोशिश करेंगे। भूपेंद्र जी, सुबह सुबह जब आज जगे तो सबसे पहले आपके मन में क्या ख्याल आया? यही आया कि जनता जनार्दन से जो हमारे वायदे हैं, ईश्वर की थोड़ी कृपा से यही चाहते हैं कि जो हमसे वायदे लोगों ने किए हैं सच्चाई के साथ वो निभाएं, यही हमने अपने ईश्वर से प्रार्थना की है। अच्छा, ये बताइए कि जब आज भगवान के सामने आप हाथ जोड़ेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो आज क्या मतलब आपकी इच्छा होगी कि आज क्या भगवान से क्या मांगेंगे, आज आप ये मुझे बताइए। देखिए, आज का दिन तो भगवान से मांगने का यही है जी। हम अपने लिए भी और जो जनता जनार्दन हमारी है उसके भी भविष्य के लिए हम यही चाहेंगे कि हम हमारी जनता हमें विजयी बनाए, और जनता की हमसे लालसा भी है कि जनता जब जीतेंगे तो विकास भी करेंगे और सम्मान भी करेंगे। बिल्कुल, तो ये थे बदायूं सदर से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी। इनका कहना है कि जिस तरह से लोगों का प्यार और रिस्पांस उन्हें मिला है वो बहुत होपफुल है कि जीत उन्हें मिलेगी, लेकिन इन सबके बीच आज वोटिंग डे के दिन वो मतदाताओं से ये अपील भी कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा इनकी पार्टी यानी हाथी पर मुहर लगाकर इन्हें आगे विधानसभा पहुंचाएं। कैमरामैन संजीत के साथ सुमंत कुमार, APN बदायूं। और इधर मुरादाबाद में भी आज मतदान जारी है, वहां की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। तमाम तैयारियां मतदान की वहां पर पूरी हो गई, और ये वोटर स्लिप के साथ आपको मतदाताओं की तस्वीर आप दिखा रहे हैं मुरादाबाद से, और ये सुबह तड़के की तस्वीरें हैं जब मतदाता पहुंचना शुरू हो गए थे पोलिंग बूथ पर।
और ये तस्वीर बिजनौर की। सुरक्षा व्यवस्था के बीच एक एक करके मतदाता इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मताधिकार का। और दूसरे चरण के मतदान में बिजनौर में भी मतदान जारी है और ये तड़के सुबह की तस्वीरें हैं जब सभी तैयारियां अहले सुबह ही कर ली गईं और इंतज़ार किया जा रहा था मतदाताओं का, और मतदाता भी उत्साह से परिपूर्ण पहुंचने शुरू हो गए थे बिल्कुल सुबह सुबह ही। हमने रुचि वीरा को वोट दिया। प्रधान जी, बिजनौर में यहाँ पे बिजनौर की अगर बात करें तो मुख्य मुकाबला किन पार्टियों के बीच, मुख्य मुकाबला किन पार्टियों के बीच में? मुख्य मुकाबला तो हमारे से ही है जिसका भी है, ये तो आप लोग हमें बताएंगे किससे है, लेकिन हम जहाँ जानते हैं सभी लोग ये चाह रहे हैं कि प्रदेश के अंदर अमन अमान रहे, तो इस गठबंधन को देना चाहिए। किस तरह का उत्साह जोश जो मतदाता है वोटर्स में देखा जा रहा है? इसी तरह का देखा जा रहा है, बहुत उत्साह है। बिजनौर की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां तड़के सुबह मतदाता पहुंच गए थे अपने वोटर स्लिप के साथ मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए, और दूसरी तरफ सिक्योरिटी भी सुबह से ही दुरुस्त नजर आई। तो दूसरे चरण का मतदान जारी है इस वक्त उत्तर प्रदेश में। तो दूसरी तरफ तीसरे और चौथे चरण के लिए प्रचार भी जोरों पर है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज भी धुआंधार प्रचार करने वाले हैं। अखिलेश यादव आज उन्नाव, फतेहपुर, रायबरेली और लखनऊ में चुनावी रैलियां करेंगे। अखिलेश आज लखनऊ के सरोजनी नगर में सपा प्रत्याशी अनुराग यादव के पक्ष में जनसभा करेंगे। और इधर बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी आज कई रैलियों को संबोधित करने वाली हैं। मायावती आज रायबरेली और बाराबंकी में चुनावी रैली करेंगी। मंगलवार को भी मायावती ने कई रैलियां कर बीजेपी और सपा सरकार पर निशाना साधा था। तो यूपी में जहां दूसरे चरण का फैसला अब जनता के हाथ में है, वहीं राजनीतिक दलों ने तीसरे चरण के लिए अपनी ताकत झोंक दी है। ये यूपी मध्य का इलाका है जिसमें 12 जिलों की 69 सीटों के लिए घमासान जारी है। फरुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, यादव परिवार के गढ़, इटावा, मैनपुरी सहित राजधानी लखनऊ, बाराबंकी, कानपुर नगर और कानपुर देहात में इस चरण में वोट डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण धनबल और विद्याबल से भी काफी समृद्ध है और इस चरण के मैदान में उतरे प्रत्याशियों में करीब 31% प्रत्याशी करोड़पति और 51% स्नातक हैं। सपा और कांग्रेस के पास धनबल ज्यादा है। महिलाओं की संख्या कुल 96 यानी कि 12% है। इस चरण के लिए हरदोई में सबसे ज्यादा और औरैया में सबसे कम प्रत्याशी हैं। यूपी में तीसरे चरण के लिए सियासी घमासान तेज हो चुका है। इन सीटों पर 19 फरवरी को मतदान होगा, लिहाजा तरकश के हर बाण आजमाए जा रहे हैं। एड़ी चोटी का जोर लगाया जा रहा है। तीसरे चरण में फरुखाबाद, हरदोई, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ और सीतापुर जिलों में मतदान होगा। इस चरण में ज्यादातर उन विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा जहां दलित और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। हालांकि 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन क्षेत्रों में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। दलित और पिछड़े वर्ग के दबदबे वाले जिलों में तीसरे चरण के चुनाव होने के कारण ये दौर बीएसपी अध्यक्ष मायावती और उनकी पार्टी के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जबकि समाजवादी पार्टी के लिए भी ये बेहद अहम दौर होगा। साल 2012 के विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में सपा को 69 में से 55 सीटें हासिल हुई थी और उसने अपने प्रतिद्वंदियों को मीलों पीछे छोड़ दिया था। इस क्षेत्र से 2012 में बीएसपी को 6 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी महज 5 सीटों पर सिमट गई थी। तीसरे चरण के लिए यूपी में चुनाव प्रचार ने तेजी पकड़ ली है। सभी सियासी पार्टियों के स्टार प्रचारक घूम घूम कर लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। इस दौर के कई जिले विकास के मामले में बेहद पिछड़े हुए हैं। राजधानी लखनऊ को छोड़ दें तो बाकी सभी जिलों की हालत लगभग एक जैसी है। सपा सरकार जहां विकास को मुद्दा बनाकर चुनाव मैदान में है, तो वहीं विपक्ष कानून व्यवस्था, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना झंडा बुलंद कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
उधर मायावती ने चुनाव के बाद बीजेपी से गठबंधन की संभावना को पूरी तरह से खारिज कर दिया। मंगलवार को कानपुर की रैली में मायावती ने कहा कि बीजेपी उनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रही है और पूर्ण बहुमत न मिलने की सूरत में वो विपक्ष में बैठना पसंद करेंगी। मायावती के विरोधी इसे उनकी कमजोरी आंक रहे हैं, लेकिन मायावती ने यह बयान बहुत सोच समझ कर एक रणनीति के तहत दिया है। आइए देखते हैं कि उनकी रणनीति है क्या। पहले चरण के मतदान के बाद दूसरे दलों के नेताओं के मुकाबले मायावती का हौसला बहुत बुलंद नजर आ रहा है। जाट बहुल पश्चिमी यूपी में समझा जा रहा था कि यहां बीएसपी और बीजेपी के बीच मुकाबला है, लेकिन मायावती ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के उतरे हुए चेहरे का हवाला देते हुए इशारा कर दिया कि यहां बीजेपी लड़ाई में पिछड़ गई है। अब मुसलमान वोटों के बंटवारे की चिंता मायावती को सता रही है, इसलिए उन्होंने बीजेपी के साथ किसी भी सूरत में रक्षाबंधन न मनाने का ऐलान कर दिया है। यदि हमारे लोगों की लापरवाही की वजह से, गुमराह होने की वजह से हमारे लोग थोड़ा चूक कर गए और हम किनारे पर आकर रह गए और हमको एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं मिली, तो भी बीएसपी विपक्ष में तो बैठना पसंद करेगी, लेकिन बीजेपी की मदद से सरकार बनाना कतई भी पसंद नहीं करेगी। मायावती ने कहा कि बीएसपी बीजेपी गठबंधन की अफवाह बीजेपी ने उड़ाई है। दरअसल बीजेपी ने भी मायावती पर ज्यादा हमले ना कर इस अफवाह को हवा तो दी ही है। तो वहीं राहुल गांधी ने भी अखिलेश की मौजूदगी में मायावती की तारीफ की थी। इस तारीफ से बीएसपी को नुकसान से बचाने के लिए मायावती ने सपा कांग्रेस गठबंधन से मिलकर सरकार बनाने की संभावना से भी साफ इनकार कर दिया। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने 1995 में मेरे ऊपर जानलेवा हमला कराया हो तो उस पार्टी से तो सवाल ही पैदा नहीं है, तो उससे हम कभी उसके साथ मिलकर भी जा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी की तो हालत वैसे ही खराब है, लिहाजा मायावती सपा कांग्रेस को निशाने पर लिए हुए हैं तो बीजेपी और मोदी पर भी तीखे बाण छोड़ रही हैं। दरअसल मायावती अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए अपनी सांपनाथ और नागनाथ वाली रणनीति पर लौट आई है। विरोधी भले ही इसे मायावती की कमजोरी समझें, लेकिन हकीकत यह है कि वो त्रिशंकु विधानसभा बनने से रोकने में जुट गई हैं। इसलिए मायावती दलित मुसलमान की सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले पर काम कर रही हैं। दलित और मुसलमान मिलकर यूपी की 20 करोड़ की जनसंख्या का 40% हिस्सा हैं। और असलियत ये भी है कि यूपी के मुसलमानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा पसमंदा मुसलमानों का है। यूपी की 18% आबादी मुसलमानों की है, जिसमें 85% पसमंदा जाति के हैं। बीजेपी से दूरी रखने का संदेश देकर मायावती इस बड़े वोट बैंक को रोकना चाहती है। वो जानती हैं कि ऊंची जाति वाले मुसलमान सपा के साथ चले भी जाएं तो बहुत फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी 97 मुस्लिम उम्मीदवार उतारकर सपा कांग्रेस के लिए मुश्किल तो खड़ी कर ही दी है। साथ ही सपा ने कांग्रेस को दी गई 105 सीटों में से ज्यादातर वो सीटें हैं जहां सपा कमजोर है और बीएसपी मजबूत। ऐसे में कांग्रेस भी ब्राह्मण दलित मुसलमान समीकरण के सहारे है, लिहाजा कांग्रेस का विरोध करना मायावती के लिए लाजमी है। साथ ही जहां विरोधी दल एन चुनाव के मौके तक अपने उम्मीदवार तय नहीं कर पाए, तो वही मायावती ने साल भर पहले ही पार्टी के प्रत्याशी मैदान में उतार दिए थे। मायावती ने पार्क और मूर्तियां बनाने के लिए जनता से एक बार नहीं कई बार माफी भी मांगी है। सचिन शर्मा, एपीएन। बीजेपी ने माया के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि उन्हें बीएसपी के साथ की जरूरत नहीं है। देखिए, हमें किसी के मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें उत्तर प्रदेश की जनता की मदद है और उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। किसी को अपना मतलब साधना होता है तो वो बीजेपी का नाम लोग लेने लगते हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा के चुनाव में भी 73 सीट जीती थी और विधानसभा के भी चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आंधी है और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। हम न किसी के सहयोग लेने देने के जनता के पक्ष में हैं, हम किसी दल के पक्ष में नहीं हैं। और उत्तराखंड की बात करें तो वहां ऋषिकेश में मतदान को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता विपिन ने मतदान प्रक्रिया का जायजा लिया। 2017 तीर्थ नगरी ऋषिकेश में भी सुबह से ही जो है काउंटर लग चुके हैं और कहीं ना कहीं जो है जो पार्टी है अपने अपने काउंटर को लगाकर जो है 8 बजे से जो है मतदान के लिए अपने अपने वोटरों को जो है रिझाने का और उनको बुलाकर जो है अपना एक वोट डालने की एक अपील कर रही है।
बात करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर लोग का किस समय आने का एक बात रहेगी और कैसे कैसे क्या समय रहता है। बिल्कुल सब आ जाएंगे 8 बजे के लगभग, सब शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं कि थोड़ा सर्दी का मौसम है, लोग बाग थोड़ा उठने में घर में अनेकों प्रकार की जो समस्या है उसको निपटाने के बाद 8 बजे से कंटिन्यू यहाँ पर शुरू हो जाएगा। उसके बाद काफी भीड़ होती है, आप चाहे बीच में भी चेकिंग करेंगे तो उसका मतलब सुंदर हो रहता है यहाँ पर। इस तरह से इस क्षेत्र में 900 वोटर बताए गए हैं कि 900 वोटर यहाँ पर जो है आज अपने एक अमूल्य मत का प्रयोग करेंगे। वहीं जो है कहीं ना कहीं पार्टी अपनी अपनी जगह जो है अपने काउंटर लगा चुकी है और सुबह से जो है तैयारी में लगी है कि वोटर आए और अपना वोट लेकर वोट यहां से लेकर अपना जो भी मत जिस पार्टी को डालना है, जिसको भी बैलेट बॉक्स में डालना है, उसका एक सही उपयोग करें। मैं विपिन नागी, एपीएन न्यूज, ऋषिकेश। तुलसीदास लिख गए हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, नेताओं के भ्रष्टाचार की कहानी पर ये बिल्कुल फिट बैठता है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा और मौजूदा केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री अनंत कुमार अपनी ही बातचीत की वजह से एक बड़े राजनीतिक विवाद में फंस गए हैं। सोमवार को एक कार्यक्रम के दौरान दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे, मंच पर रखा माइक ऑन था जिसका इन दोनों को एहसास नहीं था और इसमें दोनों के पैसे की लेन देन लेकर बातचीत रिकॉर्ड हो गई। मामला एक डायरी से जुड़ा हुआ है जिसमें नेताओं को दिए गए पैसे के बारे में लिखा गया है। इस डायरी के बारे में दोनों नेता कन्नड़ में कह रहे हैं कि पैसे तो सब देते हैं लेकिन लिखता कौन है। प्रथम ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಅಂದ್ರೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತ ಒಂದು ಇರ್ತಾರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು ಹೇಳುವಂತ ಕೆಲಸಕಾರ್ಯಗಳು ಇದರ ಅರ್ಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ನಿಲುವನ್ನು ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಪಕ್ಷದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಅದು ಎರಡನೇದು ದೇಶದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಡಿಮಾನಿಟೈಸೇಷನ್। और इधर तमिलनाडु में एआईएडीएम के विधायक दल के नेता चुने गए ईके पलानीस्वामी ने राज्यपाल सी विद्यासागर राव के सामने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। पिछले कई दिनों से सत्ता की चाहत में बैठी शशिकला को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लग गया और आय से अधिक संपत्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बहाल रखा, यानी शशिकला को अब 4 साल की सजा काटनी होगी। सत्ता के बेहद करीब पहुंचकर शशिकला को ऐसा झटका लगा जिससे उबरना उनके लिए आसान नहीं है। सीएम बनना तो दूर, अब वो 10 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में दोषी मानते हुए शशिकला को 4 साल की सजा सुनाई है। मामले की सुनवाई करने वाली 2 जजों की पीठ ने अपने फैसले में कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए बेंगलुरु के सेशंस कोर्ट के फैसले को बहाल रखा। आय से 66 करोड़ ज्यादा संपत्ति के इस 21 साल पुराने मामले में जयललिता, शशिकला और उनके 2 रिश्तेदार सुधाकरण और इलावारसी आरोपी बनाए गए थे। सितंबर 2014 में बेंगलुरु की निचली अदालत ने चारों को दोषी करार दिया था। 2015 में कर्नाटक हाईकोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया था। हाईकोर्ट के फैसले को कर्नाटक सरकार, डीएमके और सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद जून 2016 में फैसला सुरक्षित रख लिया था जो अब सामने आ गया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत ऐतिहासिक पूर्व ये जजमेंट दे के हमको बचाया है और सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का जजमेंट को अफर्म किया है और A2 to A4 जो अभी जिंदा हैं और A1 जो सेल्वी जयललिता जो अभी हमारे साथ नहीं है वो मर गए हैं, उनका अपील SLP उनके खिलाफ जो SLP था वो अबेट हो गया, मगर A2 to A4 का जो कन्विक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर दिया और उनको जल्द से जल्द जेल में भरने का आदेश दे दिया। और जो भी माइकल कुन्हा ट्रायल कोर्ट जज था उनका जो भी आदेश था उसका पूरा पालन सुप्रीम कोर्ट ने करने का आदेश दे दिया। शशिकला के विरोध पर उतरे कार्यवाहक मुख्यमंत्री पन्नीर सेल्वम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न्याय की जीत बताया। वहीं शशिकला ने अपने एक बयान में कहा है कि जब जब अम्मा यानी कि जयललिता पर संकट आया उन्होंने उसे झेला और तकलीफ उठाई, इस बार भी वे तकलीफ सह लेंगी। तमिलनाडु में जारी सियासी रस्साकशी के बीच आए इस फैसले के बाद नई सियासी उथल पुथल के आसार हैं। ललिता एंड शशिकला एंड टू अदर्स मेड अ रॉन्ग कमिटमेंट एंड दे एनक्रोच द पब्लिक मनी एंड द पोजीशन ऑफ चीफ मिनिस्टर एंड अलाइड द हाई कोर्ट यू नो इट टोटली डिफर्ड दैट बट द सुप्रीम कोर्ट सेइंग दैट दे आर द कल्प्रिट इट इज अ विक्ट्री ऑफ तमिलनाडु पीपल बिकॉज़ they are the Sasi and Jaya groups is always a culprit
to the Tamil Nadu people. They grab all the money and land. It's not going to be continue. This is a great success for Tamil Nadu people. सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पता चलते ही शशिकला विरोधी खेमे में खुशी की लहर फैल गई। AIADMK में जहां शशिकला के काफी समर्थक हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके विरोधियों की भी कमी नहीं है। शशिकला गुट ने AIADMK से पनीर सेल्वम को निकालने के साथ TK पलानी सामी को विधायक दल का नया नेता चुन लिया है। लेकिन सवाल है कि क्या पलानी सामी सत्ता की बागडोर थामने में कामयाब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शशिकला के राजनीतिक आकांक्षाओं पर विराम लग गया है। शशिकला के भविष्य को लेकर क्या कहना है राजनीति और कानून के जानकारों का, ये देखते हैं। 6 साल के लिए उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है। अब ये होगा कि 4 वर्ष पूरा करने के बाद जब स्टार्ट होगा, तब अगर 6 वर्ष बाद भी चलेगा तो ये कुल मिला के 10 वर्ष का पीरियड हो जाता है जी। ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर ये उन्होंने वर्डिक्ट ये है कि 6 साल तक बाहर रहेंगे वो, तो 4 साल हो सकता है उनको बेनिफिट मिल जाए, फिर वो 6 साल बाद 6 बरस के अंदर ही बाहर से आना होगा। लेकिन जब वो अंदर इतना रह गई, तो इतना लोकप्रिय नेता देखे वो नहीं जयललिता की तरह रही हैं, उनकी इतनी फॉलोइंग नहीं है, वो तो एक सहयोगी के रूप में रहती थी, एक विश्वास पात्र जो जयललिता की थी जी। और अंदर रहने के बाद देखे, मैं यही कहूंगा, अब तो उनकी स्थिति ये हो गई कि मैं एक दृष्टांत सुनाता हूँ, गजल है ना, वक्त पीरी दोस्तों की बेरुखी का क्या गिला, बच के चलते हैं सभी गिरती हुई दीवार से। अब तो वो गिरती हुई दीवार है, हर आदमी उनका ही अपना सहयोगी है, वो दूर हाँ, कतराना शुरू कर देगा। ठीक है, इस वक्त शशिकला को 100% अब तो जेल जाना है, और उनकी जो कन्विक्शन है वो समय जब वो पूरा कर चुकी होंगी, वो करके लौटने के बाद भी एक 6 साल का प्रतिबंध होता है जब कन्विक्ट होते हो आप 3 साल से ऊपर के लिए। तो शशिकला की कन्विक्शन 4 साल की है, इसमें से काफी दिनों रह चुकी हैं, उनको पेरोल मिल सकता है, उनको फरलो मिल सकता है, जहां पर अपने घर पे आने के लिए जाने के लिए, तो वो तो काम कर लेंगी। उनका राजनीति के मामलों में दखल जेल में रहते हुए भी होगा, इससे कोई इंकार नहीं है, लेकिन जयललिता की तरह उनकी वो लोकप्रियता नहीं है, ना उनकी वो श्रद्धा है लोगों के प्रति। तो वो जब आएंगी दोबारा यहाँ पर काम करने के लिए, तो मंत्री पद से तो दूर रहेंगी। हाँ, ये अलग बात है कि एक इंपॉर्टेंट पहलू ये रहेगा कि शशिकला के निर्देशों का उल्लंघन कोई करने का हिम्मत नहीं करेगा। उधर मंगलवार देर रात तो ओ पनीर सेल्वम एक बार फिर जयललिता के समाधि स्थल पर गए और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। थोड़ी देर वहां रुकने के बाद वो वहां से चले गए। एक हफ्ते में ये दूसरी बार है जब वो जयललिता के समाधि स्थल पर पहुंचे। पहली बार जब वो समाधि स्थल पर गए थे तब उन्होंने बगावत की थी, और आज कल फैसले के बाद वो समाधि स्थल पर पहुंचे। इधर प्रधान न्यायाधीश जस्टिस JS खेहर ने साफ किया है कि 3 तलाक के मुद्दे पर बहस के जरिए कॉमन सिविल कोड पर बहस नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि 3 तलाक के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई पूरी करेगा। जस्टिस खेहर ने कहा कि ये एक ऐसा मामला है जिसमें मानवाधिकार का मुद्दा भी हो सकता है और ये दूसरे मामलों पर भी असर डाल सकता है। कोर्ट इस मामले में कानूनी पहलू पर फैसला देगा। उनके मुताबिक 16 फरवरी को कोर्ट में मुद्दे तय होंगे और 11 मई से मामले की सुनवाई शुरू होगी। कोर्ट ने कहा कि जब पक्षों के वकील तैयार होकर और 1 हफ्ते के अंदर सुनवाई पूरी होगी। 3 तलाक को असंवैधानिक करार देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, और पिछली सुनवाई में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में एक और हलफनामा दाखिल कर केंद्र की दलीलों का विरोध किया था। इधर नर्सरी में दाखिले के मुद्दे पर दिल्ली सरकार को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की नेबरहुड पॉलिसी पर स्टे लगा दिया है। हाईकोर्ट के मुताबिक ये नियम पसंदीदा स्कूल में दाखिला करवाने के अभिभावकों के अधिकारों को छीन रहा है। नर्सरी में दाखिला करवाने के लिए दौड़ रहे कुछ अभिभावकों के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला राहत भरा साबित होगा, तो कुछ को यह फैसला अच्छा नहीं लगेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने आप सरकार के स्कूल से नजदीकी के आधार पर बनाए गए नर्सरी में दाखिले के नए नियमों पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि ये नियम मनमाने और भेदभावपूर्ण है। हाईकोर्ट ने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन के नाम पर सरकार प्राइवेट स्कूलों के साथ मनमानी नहीं कर सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार का नियम माता पिता से अपनी पसंद के स्कूल में बच्चे का दाखिला कराने का अधिकार छीन रहा था। कि जो पेरेंट्स हैं उनका राइट है, फंडामेंटल राइट है कि वो अपने बच्चे को कितने भी डिस्टेंस में भेज सकते हैं, और अगर उसको आप कर्व करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं, तो आपको एक कानून लाना चाहिए। अब दिल्ली सरकार को एक कानून लाकर जो है इस बात को कहना चाहिए कि आप नेबरहुड की पॉलिसी को लागू करो, लेकिन इन्होंने कानून ना लाके एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशू किया जिसको आज जो है हाईकोर्ट ने स्टे कर दिया। कोर्ट ने कहा कि नए नियमों पर 7 जनवरी को लगाई गई अंतरिम रोक तब तक जारी रहेगी
जब तक कि गैर सहायता प्राप्त निजी स्कूलों से संबंधित दिल्ली सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पूरी तरह फैसला नहीं हो जाता। राज्य सरकार की नेबरहुड पॉलिसी के तहत सबसे पहले किसी प्राइवेट स्कूल में उन बच्चों को एडमिशन दिया जाना था जो 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। अगर इसके बाद भी सीट खाली रह जाए तो स्कूल के 3 किलोमीटर के अंदर रहने वाले बच्चों को दाखिला दिया जा सकता था। फिर भी सीट बचे तो 6 किलोमीटर के अंदर तक रहने वाले बच्चों को मौका मिल सकता था। सरकार के इस नियम को अभिभावकों और 2 स्कूल समूहों ने याचिका दायर कर चुनौती दी थी। कोर्ट के इस फैसले से इस साल नर्सरी एडमिशन को लेकर तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। इससे पहले अदालत ने राष्ट्रीय राजधानी में अल्पसंख्यक स्कूलों के मद्देनजर इस अधिसूचना के अनुपालन पर रोक लगा दी थी। अदालत ने कहा था कि नजदीकी का मापदंड जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों और वंचित समूहों पर लागू होता है वह सामान्य श्रेणी पर लागू नहीं होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। सिनेमाघरों में राष्ट्रगान चलाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश पर रोक लगाने और उसे वापस लेने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने अपने पुराने आदेश पर यह भी साफ किया कि किसी सिनेमा, न्यूज रील या डॉक्यूमेंट्री में राष्ट्रगान का इस्तेमाल किया गया हो तो लोगों को खड़ा होने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि सिनेमाघरों में राष्ट्रगान के वक्त लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वो राष्ट्रगान गाएं। इस मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। भारत के अंतरिक्ष मिशन के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो आज एक साथ 104 उपग्रहों का प्रक्षेपण करेगा। अगर भारत अपने मिशन में कामयाब होता है तो वो इस तरह के मिशन को सफल बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने कहा है कि PSLV-C37 कार्टोसेट 2 सीरीज के सैटेलाइट मिशन के प्रक्षेपण के लिए उल्टी गिनती मंगलवार सुबह 5:28 पर शुरू कर दी गई है। इसरो के मुताबिक वैज्ञानिकों ने रॉकेट के प्रोपोलैंड को भरना शुरू कर दिया है और वो प्रक्षेपण के लिए तैयार है। आज सुबह 9:28 पर उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाना है। अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का प्रक्षेपण यान PSLV-C37 अपने 39वें मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ताओं से जुड़े रिकॉर्ड 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने जा रहा है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि पहली बार इतनी बड़ी संख्या में रॉकेट से उपग्रहों का प्रक्षेपण किया जाएगा। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी की ओर से भी एक बार में 37 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किया जा चुका है, लेकिन दुनिया के किसी भी देश ने 104 उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित करने में सफलता हासिल नहीं की है। भारत ने इससे पहले जून 2015 में एक बार में 23 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया था और अब ये बड़ा चैलेंज, बड़ी चुनौती इसरो के सामने 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करने का। पहला सैटेलाइट होगा वो कार्टोसेट है, जो हमारा अपना एक रिमोट सेंसिंग का सैटेलाइट है जिससे हम लोग भारत की जितने भी ग्राउंड पर जो हम लोग रिमोट सेंसिंग करते हैं उसको हम लोग यूज़ करेंगे। उसके अलावा 103 जो सैटेलाइट हैं वो अलग अलग देशों से आ रखे हैं जिनको हम लोग नैनो सैटेलाइट या छोटे सैटेलाइट बोलते हैं। तो अपने आप में ये 104 सैटेलाइट को लॉन्च करना ही अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड होगा, क्योंकि इससे पहले करीब 37 सैटेलाइट एक बारी में लॉन्च हुए हैं, लेकिन ये उससे ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा हम लोग सैटेलाइट एक बारी में लॉन्च करेंगे, तो इसरो के लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और इधर बॉलीवुड के मुन्ना भाई 5 साल बाद फिर कैमरे का सामना करने को तैयार हैं। आगरा में मुन्ना भाई यानी संजय दत्त की नई फिल्म भूमि की शूटिंग आज से शुरू हो रही है। संजय दत्त की फिल्म भूमि पिता और बेटी के रिश्ते पर आधारित है। इस फिल्म में संजय दत्त की बेटी के किरदार में अदिति राव हैदरी नजर आएंगी। फिल्म का निर्देशन उमंग कुमार कर रहे हैं। ये संजय दत्त की कमबैक फिल्म है। पहले इस फिल्म की शूटिंग 29 जनवरी से होनी थी लेकिन कुछ वजहों से टल गई। इसी सिलसिले में APN पहुंचे संजय दत्त ने फिल्म की सफलता की कामना की। उन्होंने APN से भी अपना खास रिश्ता बनाया और APN को अपना परिवार कहा। यही कहना चाहता हूं, प्लीज विश मी लक। मेरी शूटिंग आज 5 साल के बाद शुरू होने वाली है। 4 साल जेल में काटा हूं, 1 साल बाहर आके, और कल 8 बजे सुबह मेरा पहला शॉट होगा। तो I just wanted to tell you all, thank you. ये ऐसा एक रिश्ता है शायद भगवान ने बनाया है, और बस प्रदीप भाई और भाभी मेरे भी परिवार हैं, तो अगर आप इनके परिवार हो तो आप मेरे भी परिवार हो। और आइए अब आपको दिखाते हैं चुनाव से जुड़ी खबरें इलेक्शन एक्सप्रेस में।
यूपी के फरुखाबाद में रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी और बीएसपी पर निशाना साधा। कहा कि पीएम ने एक बार कहा था कि उन्हें ब्लड प्रेशर नपवाना है। मैं कहता हूं कि जब बीजेपी को पहले चरण में ब्लड प्रेशर नपवाना पड़ रहा है तो अभी तो बहुत चरण बाकी हैं। बीजेपी के सभी नेताओं को ब्लड प्रेशर चेक करवाने पड़ेंगे। कानपुर में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पहले चरण के मतदान पर बोलते हुए कहा कि बीएसपी को हुई भारी वोटिंग के बाद से विपक्षियों की नींद उड़ गई है। माया ने आगे कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि हाथी इस बार साइकिल को सत्ता से बेदखल कर पूरे बहुमत से सरकार बनाएगा, लेकिन अगर बहुमत की कमी रहती है तो बीएसपी किसी भी दल का सहयोग लेने वाली नहीं है। इलाहाबाद में बीजेपी प्रत्याशी नंदगोपाल गुप्ता नंदी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र ने सपा कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधा। कहा कि डॉक्टर लोहिया के गैर कांग्रेसवाद को अखिलेश के समाजवाद ने निगल लिया। कलराज ने कहा कि अखिलेश यादव का अपनी कुर्सी जाने का खतरा था और इसलिए कांग्रेस के गठबंधन कर सत्ता पाने की कोशिश कर रहे हैं। जौनपुर में सपा और कांग्रेस का संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन को कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, सलमान खुर्शीद और हरियाणा के सांसद दीपेंद्र गुप्ता समेत सपा सरकार के दो मंत्रियों ने संबोधित किया। सम्मेलन के दौरान जौनपुर सदर से विधायक और सपा प्रत्याशी नदीम जावेद की जीत की रणनीति बनाई गई। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि यह गठबंधन देश के विकास के लिए और देश को सांप्रदायिक शक्तियों से बचाने के लिए हुआ है। उन्होंने अखिलेश के नेतृत्व में सरकार बनाने का दावा भी किया। चित्रकूट में एक दरोगा को पुलिस कर्मियों के ग्रुप में सोशल मीडिया के जरिए एक विशेष राजनीतिक दल का प्रचार करने पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। चित्रकूट पहाड़ी थाने में तैनात दरोगा संत शरण सिंह के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का केस दर्ज किया गया है। सोशल मीडिया में वायरल हुआ इस मैसेज पर तमाम राजनीतिक दलों ने भी एतराज जताया है। रूस, नामीबिया, किर्गिस्तान, मिस्र और बांग्लादेश सहित 13 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रतिनिधि और प्रमुख भारत में चल रहे विधानसभा चुनाव को देखने के लिए नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस प्रतिनिधिमंडल में नामीबिया के निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष और एक आयुक्त, मिस्र के सुप्रीम कोर्ट के दो सदस्य, रूसी संघ के केंद्रीय निर्वाचन आयोग के सदस्य और बांग्लादेश और किर्गिस्तान के निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हैं।